दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ व्यापम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इस पर आपको 50% की छूट मिलेगी अगर आप हमारा कोड GURDPEB50 यूज करते हैं, और अगर आप पीएससी पर पाना चाहते हैं 25% की छूट तो आप हमारा कोड GURDPSC25 यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आपको विज्ञान वर्ग 2 के लिए मैंने तैयार कर दिया है, जो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर MPTET UPTET के लिए भी आपके लिए मैंने कोर्स यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है, तो ये भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के बारे में। यहाँ पर कुछ नए चेंजेस अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली में देखने को मिले हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नए जो हैं अपडेट्स आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर अ पैनल ग्रुप इन ए डिस्ट्रिक्ट और डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर अ पैनल ग्रुप इन अ ब्लॉक, ये दो नए ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हैं GFMS पोर्टल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका पैनल डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर खुद देखना चाहते हैं कि आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में शामिल हैं कि नहीं है, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर मुझे देखना है यहाँ पर भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, और मुझे देखना है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हिंदी से वर्ग 1 के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर हमें यहाँ पर हिंदी चुनना है, यहाँ पर भोपाल चुनना है, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे अपना कोड जो कि हमारा है D63Q, तो इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे D63Q। और हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोड एक बार और डाल देता हूँ, ये कोड आपके सामने है M4JW, और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ये देखिएगा, और हमारे सामने नीचे ये पूरी लिस्ट आ गई है जिसमें कि कौन कौन है, उनका स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्कोर भी और ज्वाइनिंग डेट भी आपको यहाँ पर दी गई, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनकी ज्वाइनिंग डेट, और जो अवेलेबल हैं अभी गेस्ट फैकल्टी के लिए वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पर, एक नई लिस्ट है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ, एक और नया फंक्शन जो चालू हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन सा नया फंक्शन है और जिससे आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ डेटा भी दिया गया है और ये डेटा अपडेट हो रहा है लगातार, तो यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने कार्यरत अतिथि शिक्षक अभी फिलहाल में हैं, कितने वर्ग 3 के हैं, कितने वर्ग 2 के हैं, कितने वर्ग 1 के हैं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त कितने पंजीकृत आवेदक हैं, कितने सत्यापित आवेदक हैं, ये भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त हमने पहले जो फंक्शन बात किया था जो था आपका डिस्ट्रिक्ट में, उसके अतिरिक्त ब्लॉक में भी आप देख सकते हैं, ब्लॉक में यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो जो भी आपके यहाँ पर पैनल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आपका, ये देखिएगा क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर पैनल ग्रुप इन अ ब्लॉक, तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस ये है। आगे अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैनुअल हेल्प डॉक्यूमेंट ये सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है, व्यूअर पोजिशन, आप अपनी पोजिशन देख सकते हैं स्कूल में, तो ये सारे पिछले ही फंक्शन है, लेकिन ये दो नए फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, अभी आए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, बहुत ही नए फंक्शन ये हैं, तो इनसे कुछ ज़्यादा भी होना नहीं है, बट अभी क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, आगे कुछ अगर हो सकता है जिसमें से होता है तो हम आगे आपको सूचना देंगे, लेकिन अभी दो नए फंक्शन आपको जुड़े हैं, तो इसलिए आपको जानकारी देना थी। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप MPTET की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं।